ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्नास्व ॐ शांति शांति शांति। आत्मीय बंधुओं, भाइयों बहनों, हमारी इच्छा हुई कि हम आपसे बात करें और आजकल इस लॉकडाउन में साधन का भी अभाव है कि जिससे रिकॉर्डिंग हो सके। फिर भी मोबाइल की बहुत बड़ी कृपा है। कुछ बातें करनी थी। हमारे एक शिष्य श्री रणवीर शर्मा जी, बोईसर पालघर के श्री टेक्सटाइल के मालिक हैं, उन्होंने एक दिन फ़ोन किया और बड़े ही घबराए हुए थे और ये कहा कि गुरुदेव, ये महामारी कब जाएगी और ऐसा तो कभी भी हुआ नहीं। इसे ठीक से समझने की ज़रूरत है कि आखिर ये महामारी है क्या और ये कैसे ख़त्म हो सकता है और आखिर आया ही क्यों। जरा सा पीछे हम लोग अगर नज़र दौड़ाएंगे तो हमें एहसास होगा कि परमात्मा ने ये सुंदर सृष्टि बनाई और यूं कह सकते हैं कि इस सृष्टि परमात्मा का बगीचा है। हम सब ईश्वर के ही संतान हैं। तो क्या हमारे पिता या हमारी माता हमें कष्ट देना चाहेंगे? वो नहीं देना चाहेंगे। लेकिन कई बार हम अपने करनी से, अपने कर्मों से, अपने कार्यों से ही दुख पाते हैं। परमात्मा कण कण में व्याप्त है, परम सत्ता है, ईश्वर है, हमारे अंदर भी है, हमारे बाहर भी है। परंतु ये प्रकृति भी परमात्मा ही है। ये हमारे लिए प्रकृति है और हम प्रकृति के अंग हैं। वर्षों से संत, ज्ञानी, मुनि, ऋषि, तपस्वी, भविष्य दृष्टा संकेत करते रहे कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ न किया जाए, लेकिन मनुष्य आज सबसे बड़ा जानवर बन गया। हमने वृक्षों को काटा, पहाड़ों को तोड़ा, नदियों को गंदा किया। जिस संस्कृति में पेड़ पौधों को देवता माना जाता था, हमारे मुख्य देवता अग्निदेव, वायुदेव, वरुण देव, प्रकृति के सभी चीज़ों को हमने देव मानकर पूजा और हम सुखी रहते थे। प्रकृति का जबरदस्त दोहन हुआ। इस स्थिति में प्रकृति क्षुब्ध हो सकती है, लेकिन हम यहाँ क्षुब्ध या परमात्मा का क्रोध, आक्रोश, ऐसी बातें नहीं करना चाहते। इसे इस ढंग से समझे कि प्रकृति को हमने पूरा ध्वस्त कर दिया। हम ऐसे भी समझें कि जो हमारा स्वयं का स्वभाव था, हमारा स्वयं का नेचर था, जो हमारी माँ थी, हमारे परमात्मा, उसको हमने कष्ट पहुँचाया। और बार बार ईश्वर ने संकेत किया, कभी भूकंप के रूप में, कभी सुनामी के रूप में, कि सावधान हो जाओ, कभी फ्लू के रूप में, कभी चिकनगुनिया के रूप में, कभी डेंगू के रूप में, ऐसे वायरस आते रहे, लेकिन हम सावधान नहीं हुए। आधुनिकता के दौड़ में हम इतने अंधे हो गए कि घर परिवार, माता पिता, समाज, गांव और नेचर, जो प्रकृति में जीने लायक जगह थी, उसे हमने एकदम नष्ट किया और गांवों को छोड़कर शहरों में घनी आबादी में बड़ी मुश्किल से कीड़े मकोड़े की तरह हम जीने लगे और उसी को हमने आधुनिकता समझ लिया, मॉडर्निटी समझ ली। अब इस कंडीशन में परमात्मा क्या करे? परमात्मा किसी तरह अपने बच्चों को सुधारना तो चाहता है, क्योंकि बहुत समाज सुधारक आए, बहुत दृष्ट आए, जिन्होंने बार बार संकेत किया कि ओजोन लेयर फट रहा है, उसकी परत बहुत महीन होती जा रही है, ब्रह्मांडीय किरणों से इस पृथ्वी को कौन बचाएगा, महामारी होगी, लोग परेशान होंगे, इसलिए नदियों को स्वच्छ रखना चाहिए, पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। इस तरह से बहुत तरह के संकेत और संदेश ऋषियों ने, मनीषियों ने, ज्ञानियों ने, समाज सुधारकों ने दिया।
लेकिन हम सोचते हैं कि हमें क्या फर्क पड़ता है, ये ग्रीन मैन बने रहें, ये वाटर मैन बने रहें, ये तो इनका काम है, हम तो अपना खाए पिए मौज किए बस। हमने प्रकृति को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। प्रकृति क्या करे? और इस प्रकृति को दो तरह से समझे, एक तो ये हमारे बाहर के समाज की प्रकृति है और दूसरी प्रकृति है हमारे अंदर की प्रकृति। प्रकृति को अंग्रेजी में सभी लोग जानते हैं कि नेचर कहा जाता है। यदि नेचर बिगड़ जाए तो आदमी कहीं का नहीं रहता है। तो हमने अपना स्वभाव बिगाड़ लिया, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारा सोना उठना, हमारी उपासना, सब कुछ ध्वस्त हो गई। हम एक अजीब सी दुनिया में जीने लगे, भागम भाग भागम भाग, न सोने का ठिकाना, न जागने का ठिकाना, न उपासना, न ईश्वर के प्रति कृतज्ञता, न ही अपने बाल बच्चों का ख्याल, और न बाल बच्चे अपने माता पिता का ख्याल। सब गांव के उस नेचर को छोड़कर शहरों में भीड़ भाड़ की आबादी में चले गए, आधुनिक हो गए, बड़े ही मॉडर्न हो गए, खान पान बिगड़ गया, पिज्जा बर्गर फास्ट फूड में हम हो गए, जो प्राकृतिक आयुर्वेदिक नेचुरल चीज़ें हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए जीवन के लिए उपयोगी थी उसको हमने भुला ही दिया। तो इस तरह से बाह्य प्रकृति अंतर प्रकृति दोनों ध्वस्त हो गई और इसमें महामारी आना स्वाभाविक है और ईश्वर संकेत देता है। तो संकेत पहले दिए, अब छोटे संकेतों से इंसान ने समझा नहीं, तो ये बड़ा संकेत दिया है। ये बड़ा संकेत क्या है? ये कोरोना महामारी है। लोग इतने घबराए हुए हैं, अब प्रकृति की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। प्रकृति अपने आप को संभालती है, अगर हम न संभाल पाए तो वो स्वयं संभाल लेगी। आज सब लोग एक तरह से दुखी हैं घर में बंद होके, लेकिन एक तरह से प्रसन्नता है कि हवा शुद्ध हो गया, पानी शुद्ध हो गया, वातावरण शुद्ध हो गया, जो ऑड इवन गाड़ियों को रोक कर इस तरह से करके भी जितना हमने शुद्ध नहीं कर पाया प्रकृति को, प्रकृति इतने दिनों में स्वयं को उसने शुद्ध कर लिया। तो ये कोरोना वायरस आया, अब ये है क्या वायरस? अब डॉक्टर्स कहते हैं कि ये डेड सेल है, मृत कोशिका, मरी हुई कोशिका। अब आदमी का ये मरी हुई कोशिका क्या बिगाड़ सकती है? जिस आदमी ने जिंदा सबको खा लिया, चमगादड़ खा गए, गीदड़ खा गए, कुत्ते खा गए, बिल्ली खा गए, न जाने चाइना ने क्या क्या खा लिया, और उन राक्षसों और इस तरह के प्रवृत्ति वालों को देखा देखी अपने यहाँ के लोग भी सब कुछ खाने लगे धीरे धीरे। भले ही अभी उद्घाटित नहीं है, ओपन नहीं है, लेकिन यहाँ भी वही हालत है। पूरी दुनिया में लोगों ने जीवों को तो जीव समझा ही नहीं, उसको पकवान समझ के खाना शुरू कर दिया। हमारा शरीर बना हुआ है सात्विक आहार के लिए, अगर इतना हम प्रकृति को क्षुब्ध करेंगे वो तो कुछ करेगी। डेड सेल है। जब बड़े बड़े जंतु जानवर और कीटाणु विषाणु कुछ नहीं कर पाते मनुष्य का, तो ये डेड सेल क्या कर लेगा? लेकिन एक डेड सेल ने, एक मृत कोशिका ने पूरी दुनिया को दहला दिया है, डरा दिया है। सब लोग, बड़े बड़े देश आज डरे सहमे हुए हैं। न इसका कोई इलाज है और न इसका कोई वैक्सीन है। फिर ठीक कैसे होंगे? ठीक इस तरह से होंगे कि ये घटना समझ ले कि एक बार धर्मराज, जो मृत्यु के देवता है, उन्होंने एक अपने दूत को धरती पर भेजा और दूत एक आदमी को मारने के लिए यहाँ आया था, 100 लोगों को लेकर गया। धर्मराज बड़ा दुखी हुए कि हमने एक आदमी बोला था, तुम 100 आदमी लेके आ गए। तो उसने कहा, क्या करूँ, मैंने तो मारा था एक को ही, लेकिन 99 डर के मारे वापस आ गए। आज स्थिति यही है कि डॉक्टर्स भी यही कहते हैं, इसके अनुभवी लोग भी यही कहते हैं कि मनोबल बनाए रखिए और इम्यून सिस्टम को मजबूत करिए, अर्थात अंदर की शक्तियों को जागृत करिए, तो वातावरण के विषाक्त चीज़ों से आप लड़ने की स्थिति में रहेंगे। जब हम पैदा होते हैं तो माँ के गर्भ में करोड़ों जीवाणु एक साथ आते हैं, लेकिन जो संघर्ष करते हुए जिस मजबूत रहता है वही टिक पाता है और वही पैदा होता है। ठीक ऐसे ही इस वातावरण में अगर हम विज्ञान के उस सिद्धांत को मान लें कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इस सृष्टि में वही सर्वाइव करेगा, वही जीवित रहेगा जो फिट होगा। और फिट का मतलब क्या है?
जो बाह्य प्रकृति अंतर प्रकृति को ठीक रखेगा, अपने आत्मबल को मजबूत रखेगा, मनोबल को ठीक रखेगा और अपने भीतर की शारीरिक क्षमता जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं उसको मजबूत रखेगा। तो उसके लिए प्राकृतिक रूप से ऋषियों ने बहुत बातें बताई कि आप नियम से उठिए, प्राणायाम करिए, उपासना करिए, व्यायाम करिए, मानसिक विकारों से दूर रहिए, अधिक न जागिए, नकारात्मक चिंतन से दूर रहिए, तभी आप नेचर में अपने जी पाएंगे और आपका इम्यून सिस्टम मजबूत हो पाएगा। आज हम न जाने कितने लोग डिप्रेशन, एंजाइटी और अनिद्रा के शिकार हैं, ये सब प्रकृति से दूर होने के कारण ही है। तो ये कोरोना क्या है और कब ठीक होगा, कब जाएगा, आज की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए लग नहीं रहा कि ये ठीक होगा। रोज़ जनसंख्या बढ़ रही है मरने वालों की और बीमार होने वालों की। आज सभी सरकारें अलग अलग स्टेट से अपने मजदूरों को, लोगों को बुला रही है, तो एक दहशत का माहौल है कि अगर ये ठीक होने की स्थिति है तो फिर मजदूरों को वापस क्यों बुलाया जा रहा है। अगर लॉकडाउन खुल ही जाए तुरंत तो फिर मजदूर कहाँ से आएंगे। लेकिन परिस्थिति बड़ी गंभीर है अगर इस पर विचार करें तो। WHO का एक रिपोर्ट आया, वो ये कहता है कि मांसाहारी लोगों को ही पूरी दुनिया में 100% उन्हीं को कोरोना हुआ है जो कभी ना कभी मांसाहार करते हैं। इसलिए इस संकेत को हम समझ लें कि प्रकृति हमें बार बार संकेत दे रही है। और एक हवा है, डेड सेल किसी को कैसे मार सकता है, लेकिन अगर हम अंदर से कमज़ोर रहे, इम्यून सिस्टम कमज़ोर रहे, तो एक झूठा संकेत भी हमें मार सकता है, एक सूडो फीडबैक भी हमें मार सकता है, नेगेटिव चिंतन भी हमें मार सकता है। तो ये डेड सेल बच्चे को जब नहीं खाता है तो माँ कहती है कि बेटा खा ले, नहीं तो हवा आ जाएगा। तो इसी तरह का हवा आ गया है और इतना खतरनाक है, जबकि है कुछ नहीं। आप कहेंगे कि आप कहते हैं है कुछ नहीं, इतने लोग मर रहे हैं। तो है कुछ नहीं इसलिए कि आप स्वयं ही कह रहे हैं कि ये डेड सेल है, मरी हुई कोशिका है। तो मरी हुई कोशिका क्या कर सकती है, लेकिन हम अपने आप मर रहे हैं और इसको रिसीव करते हैं, इसको एक्सेप्ट करते हैं, इसको स्वीकार्यता देते हैं कि अगर हमारा मनोबल कमज़ोर है। किसी भी डॉक्टर ने कभी दवाई अभी तक बताई, सब ने ही कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और अपने किसी तरह काढ़ा पीके, काली मिर्च, लौंग, अदरक, तुलसी ये सब का बना के पी के आप अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करिए तो आप इससे बच जाएंगे। अर्थात हम भीतर से मजबूत होंगे तो हम इससे ही नहीं न जाने कितनी बीमारियों से बचे रहेंगे। और अपने मन में संकल्प ले लिया हमने कि अपने को ठीक करना है, स्वास्थ्य को ठीक करना है, मनोबल को बढ़ाना है और साथ में जो प्रेम समाज से खो गया था, लोग घरों से दूर चले गए थे, एकांकी जीवन जीने लगे थे, तो ईश्वर ने ऐसा इंतजाम कर दिया कि सब एक साथ रहो, उसी में लड़ो झगड़ो, प्रेम भी बढ़ेगा, एक दूसरे को समझ भी पाएंगे और सबसे बड़ी बात इंसान अपने को समझ पाए, इसलिए एकांत की ज़रूरत है। हम इतने भीड़ में जी रहे थे कि बाहर भीड़ और मन में भी भीड़ हमने पैदा कर लिया था। तो परमात्मा ये संकेत ही नहीं दे रहा है, वरन जबरन हमें ईश्वरीय तत्व लायक और जीवन जीने लायक बनाने की कोशिश कर रहा है। शर्मा जी ये कह रहे थे कि लोग ये फ़ोन कर रहे हैं कि अब तो गांव में जो घर है उसे ठीक करा लो वहीं। हाँ, गांव की ओर लोग जाएंगे, अब शहरों में कमी आएगी, क्योंकि प्रकृति के साथ जीना ही जीवन है और हमने पूरी प्रकृति को छोड़ दिया। तो आज का संकेत और संदेश हमारे तरफ से यही था कि आप जहां भी हैं घबराए नहीं, आप इसे समझने की कोशिश करें, ये कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा। लेकिन ठीक दवाई से नहीं होगा, हमारे मनोबल से होगा, हमारे चिंतन से होगा और अपने चरित्र से होगा। साथ ही हम प्रकृति के महिमा को समझकर, हमारी संस्कृति कितनी महान थी जिसने तुलसी से लेकर पीपल तक सभी पौधों को देवता मानकर पूजा। हम आधुनिक इतने हो गए कि आउटडेटेड समझने लगे, पोंगापंथी समझने लगे, भारतीय संस्कृति के एक भी क्रियाकलाप जिसे हम अंधविश्वास समझते, संभव है कि कुछ अंधविश्वास भी हो लेकिन सब वैज्ञानिक चीज़ें हैं जो हमारे जीवन के लिए उचित थी।
और इसे समझ के आप भी अपने जीवन को अच्छा बनाएं, थोड़ा आत्मचिंतन करें।